यार YouTube से कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्या लिया था। YouTube पे तो भूचाल आ गया, मतलब एक लड़की आंख मार के रातों रात 3 मिलियन फॉलोअर गेन कर लिया। और कहाँ गए भाई सख्त लौंडों का सख्ती, तुम लोगों को पता नहीं पर मैं नहीं पिघला। और ये लड़की सिर्फ आंख मार के रुका नहीं, अब तो इसने गोली भी मार दी। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया ऐप या वेबसाइट नहीं है जहाँ पे इस लड़की के ऊपर बात नहीं किया गया। फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में तो छोड़ ही दो, लाइक और म्यूजिकल भी आ गया। अभी ये सारे लड़के अपने आप को प्रिया प्रकाश समझ रही है, पर ये लोग प्रिया प्रकाश नहीं, ये लोग प्रिया प्रकाश के कॉपी है, साला कॉपी है। और जब जब कुछ चीजें वायरल गया है तब कुछ अच्छा दिखे ना दिखे मीम्स बहुत सही बनते हैं। मेरे लिए फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब चीज बकवास होता अगर मीम्स ना होता। डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग व्हेन यू ऑर्डर वर्सेस व्हेन इट्स अराइव्ड, आईफोन की बॉक्स में टपाटप की साबुन। ये लो धोनी भी पिघल गया, जिसने भी इस वीडियो को बनाया मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग को बर्फ डाल के पिघला दिया। अभी प्रिया प्रकाश के बाद यूट्यूब पे सबसे बड़ा भूचाल है बीबीजे वर्सेस आसिफ बंटाई न्यू ड्रामा। और जब ये ड्रामा चल रहा था तब मैं एक वीडियो भी बनाया था, पर मैं उस वीडियो को कम्प्लीट नहीं किया था क्योंकि कुछ व्यूज के लिए ड्रामा को बढ़ाना मुझे सही नहीं लगा, ऊपर से फ्री का हेट भी मिलता। पर तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया है कैसे अचानक से ड्रामा बंद हो गया? देखो मैं श्योर नहीं हूँ पर हो सकता है मेरे वजह से ड्रामा बंद हो गया। अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसा मैंने क्या उखड़ लिया जिसकी वजह से ड्रामा ही बंद हो गया। तो जब ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ही मुझे पता चल गया था इन दोनों के बीच कुछ होगा। बाजीगर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब उसका 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुआ था तब से मैं उसको फॉलो करता हूँ। और बाजीगर का वीडियो आसिफ भाई का कम्युनिटी टैब पे पोस्ट होने से पहले ही मैं बाजीगर का वीडियो देख लिया था। और जब मैंने देखा आसिफ भाई ने बाजीगर का वीडियो शेयर किया तब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा क्योंकि उस वीडियो में बाबा जी का बहुत ही गंदा वाला रोस्ट था। अब बाबा जी और आसिफ भाई फ्रेंड्स है फिर भी आसिफ भाई ने वो वाला वीडियो शेयर किया और इसीलिए मुझे लगा था कि इन दोनों के बीच शायद कुछ हुआ है। पर वो सब बातें छोड़ो, ड्रामा बंद हुआ कैसे? तो जब ड्रामा चल रहा था उसी टाइम मैं बाबा जी का फेसबुक अकाउंट चेक कर रहा था और तभी मुझे एक फोटो मिला जहाँ पे बाबा जी और आसिफ भाई एक साथ थे। और शायद तुम लोगों को पता भी होगा अगर तुम्हारा किसी बहुत पुराना फेसबुक पिक्चर में कोई कमेंट करता है तो वो पिक्चर फिर से चलने लगता है। चलने लगता है मतलब फिर से लोगों के सामने आता है वो फोटो, जिससे फिर से लाइक और कमेंट आता है फोटो में। और उसी वजह से मैंने भी उस पुराना वाला पिक्चर में कमेंट किया था, इतना सही टाइम था वो। और मेरा कमेंट करने के बाद बाबा जी ने आसिफ भाई को मेंशन किया, ऐसे करते करते 2-3 और कमेंट्स भी आए और हो सकता है कि इसी वजह से आसिफ भाई का दिल भी पिघल गया और बस खत्म ड्रामा। देखो मुझे नहीं पता बाबा जी ने वीडियो डिलीट किया या फिर नहीं किया, किसका गलती है किसका नहीं मुझे कुछ नहीं पता। बट एक जो बात है, मुझे आसिफ भाई भी बहुत पसंद है और बाबा जी भी, और सबसे ज्यादा पसंद है इन दोनों का दोस्ती। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा बाबा से तुम दोनों दोस्त बन जाओ और एक साथ कोलैब करो। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ घंटा भी दबाओ क्योंकि मैं कभी कभी हफ्ते में 2 वीडियो डाल देता हूँ और कभी कभी 2 हफ्ते में एक भी नहीं। तो यार घंटा दबाओ ताकि तुम मुझे भूल ना जाओ और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आए। तो यार तब तक के लिए गुड बाय। लिंगो मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब जबान, जबान मतलब बोली, बोली मतलब तकिया कलाम। बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी और लोग होंगे बदनाम, जैसे कि वो जो बात बात में इंग्लिश घुसाते हैं। डू यू ईट गर्ल्स, क्या आप बच्चियां खाते हैं? यू स्नैच माय माउथ टॉक, मेरे मुंह की बात छीन ली, उर्दू और इंग्लिश का सेक्स करवाते हैं ये मेनली।